तो ये देखो, ये पीछे ऐसी अभी यहाँ पे पानी बह रहा है और काफ़ी गंदा पानी है ये। मतलब गंदे से मेरा मतलब है कि मिट्टी आ रही है, क्योंकि अभी ऊपर पहाड़ों में बरसात हो रही है ना, तो इसलिए इसमें काफ़ी ज़्यादा मिट्टी बह के आ रही है। एक बार आपको मैं पास से भी दिखाता हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। सो गाइस, अभी बजे हैं शाम के 6:30 और मैं आया था छत पे घूमने, लेकिन अभी मुझे एक बहुत अलग चीज़ पता लगी है। हमारे रुड़की में एक सोलानी नदी है, तो वहाँ पे वो हमेशा सूखी पड़ी रहती है, क्योंकि एक वो बरसाती नदी है, यानी कि रेनी सीज़न में ही चलती है, और अभी रेनी सीज़न चल रहा है, तो अभी उसमें बहुत ज़बरदस्त पानी आ रखा है। बहुत कम सालों में ऐसा पानी वहाँ पे आता है, मतलब 4-5 साल में ही एक बार आता होगा। तो आज का कंटेंट तो मुझे मिल गया, वही देख के आता हूँ मैं, और आपको भी दिखाता हूँ कितना ज़बरदस्त पानी उसमें आ रखा है। तो चलो चलते हैं नदी के पास और देखते हैं कैसा वहाँ का सीन है और कितना सारा पानी वहाँ पे आ रखा है। सो गाइस, पहुँच गए हैं हम नदी के पास और वो ऊपर है ब्रिज, और ब्रिज के नीचे ये जा रही है यहाँ पे सोलानी नदी। और गाइस, पोपट हो चुका है, तो हमें जिसने बताया था वो ये बताया था कि बहुत ज़बरदस्त पानी आ रखा है और इतना पानी उसने आज तक नहीं देखा, लेकिन गाइस इससे ज़्यादा पानी तो हमने देखा हुआ है। तो चलो अभी पहले ब्रिज के ऊपर चलते हैं वहाँ पे, और वहाँ से एक बार देखते हैं, वहाँ से और अच्छा व्यू आएगा। जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो वहीं चलते हैं ऊपर। सो गाइस, ये है गंगा कैनाल, और ये गंगा नदी का गंगा कैनाल बनाया गया है। ये ब्रिज आप देख सकते हो, और इसके नीचे से वो वहाँ पे बह रही है नदी, वो सोलानी नदी है। ये बरसाती नदी है, वो तो सिर्फ बरसात में चलती है या फिर जब पानी आता है तब चलती है। और जो ये वाला कैनाल है, ये साल में 365 दिन चलता रहता है, इसमें पानी आता ही रहता है। तो चलो मैं आपको एक बार उतर के दिखाता हूँ। तो ये देखो, पीछे से पूरी रोड है, और मैं पापा के साथ आया हूँ आज। सो गाइज, ये है वो रिवर, और जल्दी से चलते हैं अपनी साइड, क्योंकि मैं रॉन्ग साइड हूँ, अपनी साइड आ जाता हूँ जल्दी से। और अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, जब यहाँ तक आ ही चुके हैं तो आगे भी आपको दिखा देता हूँ मैं। सो गाइज, ये है मेरे पीछे गंगा रिवर है ना, गंगा कैनाल, सॉरी। सो रिवर होती है नदी, तो ये नदी जो है ये क्योंकि ह्यूमन मेड है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे कैनाल, सही है। सो ये कन्फ्यूज़न हो जाता है काफ़ी बार ना, नदी तो वो होती है जो अपने आप बहती है ना, लेकिन जब वो नदी एक ऐसी जगह से बहने लगती है जहाँ पे उसको इंसानों ने बनाया हो, तो उसको हम बोल देते हैं कैनाल। तो ये देखो, और गाइज अगर कुछ भी मिस्टेक हो गई हो तो आप कमेंट में प्लीज़ बता देना, हेट मत देना, लेकिन कमेंट में आप सही कर देना अगर आपको पता है तो, क्योंकि हो सकता है मैं गलत हूँ। तो ये देखो, ये पीछे ऐसी अभी यहाँ पे पानी बह रहा है और काफ़ी गंदा पानी है ये। मतलब गंदे से मेरा मतलब है कि मिट्टी आ रही है, क्योंकि अभी ऊपर पहाड़ों में बरसात हो रही है ना, तो इसलिए इसमें काफ़ी ज़्यादा मिट्टी बह के आ रही है। एक बार आपको मैं पास से भी दिखाता हूँ। ये देखो, ये इसमें पूरे में यहाँ पे मिट्टी बह के आ रही है। वैसे तो ये पानी थोड़ा सा साफ रहता है, लेकिन अभी इसमें पूरे में मिट्टी है, तो इसलिए भी इसमें जाना बिल्कुल बेकार का काम होगा। इसमें काफ़ी सारे बच्चे हैं जो यहाँ पे जो नहाते रहते हैं, उस पुल के ऊपर काफ़ी सारे बच्चे नहाते रहते हैं, जो कि गलत भी है, वो बिना सेफ्टी के नहाते रहते हैं ऐसे ही। लेकिन अभी तो इसमें कोई नहा नहीं रहा है, क्योंकि इसमें अभी काफ़ी गंदा पानी आ रहा है। और यहाँ पे देखो, ये काफ़ी सारे लोग अभी मॉर्निंग वॉक पे आते हैं यहाँ पे, इवनिंग वॉक पे तो अब कोई नहीं है यहाँ, लेकिन मॉर्निंग वॉक पे काफ़ी सारे लोग आते हैं। और ये यहाँ पे ऊपर रास्ते लिखे हुए हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं रास्ते। सो बस गाइज, अब चलते हैं घर पर वापस, जो मैं आपको दिखाने आया था मैंने आपको दिखा दिया, अब घर वापस चलते हैं। सो चलो गाइज, फाइनली घर पे वापस आ चुका हूँ मैं, और अपनी छत पे ही आ चुका हूँ। तो अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो, आज मैं आपको दिखाता हूँ कड़ी पत्ते के बीज, जो कड़ी पत्ते का प्लांट होता है उसके इस तरीके के सीड्स होते हैं, तो इन सीड्स से हम न्यू प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। तो अभी रेनी सीज़न है, अगर आपके आसपास भी किसी गार्डन में या फिर आपके घर में ही कड़ी पत्ते का प्लांट लगा हो, तो आप इन सीड से कड़ी पत्ते को बहुत ईजिली ग्रो कर सकते हो। ये पूरे प्लांट्स के ऊपर लगे हुए हैं ऐसे, ये कड़ी पत्ते के सारे सीड्स हैं, और ये नीचे भी जो आपको सारे ब्लैक ब्लैक से दिख रहे हैं, ये सभी कड़ी पत्ते के सीड्स हैं। तो मैं अभी अपने गार्डन में काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ देहरादून से, तो इसलिए ये ऐसा हो चुका है मेरा सारा गार्डन। और ये देखो, काफ़ी सारे सीड्स पड़े हुए हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो, ये बहुत सारे सीड्स पड़े हुए हैं, ये सारे ऐसे ब्लैक ब्लैक के सीड्स ही होते हैं, इसके ऊपर भी काफ़ी सारे ब्लैक ब्लैक सीड्स आ रखे हैं। तो पहले सीड्स ग्रीन कलर के होते हैं, फिर ये रेड कलर के बनते हैं, और उसके बाद ये ब्लैक कलर के हो जाते हैं, यानी फाइनली ये ऐसे जब पूरे कंप्लीट ब्लैक हो जाएं, उसके बाद हम इनको ग्रो करते हैं। अब आपको मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, इन सीड्स को हमें ऐसे ही ग्रो नहीं करना, एक दूसरे तरीके से ग्रो करना है। एक सीड ले लेते हैं और एक टेबल पर रख के आपको मैं दिखाता हूँ। सो ये है सीड, और जैसे ही हम इसको हल्का सा प्रेस करेंगे
तो देखो मैंने इसको हल्का सा प्रेस किया, इसके अंदर से ऐसे पल्प निकलना स्टार्ट हो गया। अरे यार ये काफ़ी पल्पी हो रहा है। तो इसको ये देखो, ये इसका आउटर कवरिंग ये ब्लैक कलर की बाहर निकल चुकी है, और ये जो ग्रीन वाला है अब ये बिल्कुल रेडी टू मतलब सोइंग के लिए रेडी है। तो ये एक पॉट मिला है मेरे को जिसकी मिट्टी साफ़ है, इसमें काफ़ी सारी घास उग रखी है, इसको हम वीड बोलेंगे। तो काफ़ी सारे वीड उग रखे हैं, मतलब ऐसे प्लांट जो हमें ज़रूरत नहीं होते उनको हम वीड बोलते हैं। और मैं अपनी उंगली से ही इसके अंदर एक छेद कर देता हूँ गाइस। और ये देखो थोड़ा मैंने गहरा छेद किया है क्योंकि सीड काफ़ी बड़ा है, और इसको इसके अंदर डाल के ऊपर से हम डाल देते हैं इसके ऊपर मिट्टी, और ये अब रेडी हो चुका है सोइंग के लिए कम्प्लीट। सो चलो इसको भी एक नया जीवन मिल गया सीड को, अब ये ग्रो हो जाएगा फाइनली। तो ये डायरेक्ट प्लांट के ऊपर से ही लेते हैं हम सीड। ये सीड हमने ले लिया एक, और इसके अंदर पल्प होता है, पल्प आपको दिखाता हूँ मैं। Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think grow hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up.